आप सभी के दिल में ये चलता है कि कैसा प्रश्न आने वाला है, कैसा मेरा एग्जाम जाएगा, क्या प्रश्न आएगा। तो देखिए, आप लोगों के लिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए ही लिया कर आया हूँ, जो कि आपके एग्जाम में सीधे सीधे जो है यही सारे प्रश्न आने वाले हैं। तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का डर है कि मेरी तैयारी नहीं हो पाई है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो देखिए, ये सारे वीडियो को आप लोग देखना है जो मैं आज मैं लेकर आया हूँ। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरी तरीके से देखना, यहाँ से आपको सीधे सीधे प्रश्न जो देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप लोग फटाफट से इस वीडियो को देखेगा, और चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के इस वीडियो को देखते हैं। कि यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है कि आवरण शब्द का विलोम शब्द का क्या होगा, फटाफट से बोलेगा आप लोग भी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, अनावरण क्या होगा, आवरण का अनावरण करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर क्या हुआ था, फटाफट से बोलेगा। काफी स्टार पॉइंट वाले क्वेश्चन है, ठीक है, पूरी तरीके से कंप्लीट हम लोग जो आज हम लोग 1 फरवरी का क्वेश्चन को देख लेंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, सी नंबर, यानी क्या होगा, यानी मधुर भाव का पूत था, ठीक है। चलिए पूरी तरीके से स्क्रीनशॉट कर लीजिए सारे क्वेश्चन। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कि मरण तक के लिए एक शब्द है, तो मरण तक के लिए एक शब्द क्या होता है। तो तीसरा नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर सी नंबर, यानी अमरण करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहे हैं, फटाफट से देखिए। चौथा नंबर कह रहा है कि कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है, तो कंकाल उपन्यास जो है किस कवि की रचना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर 4 नंबर का बी नंबर क्या होगा, यानी जयशंकर प्रसाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, धीरे धीरे शब्द में कौन समास है, तो धीरे धीरे शब्द में जो है कौन सा समास होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो धीरे धीरे, तो यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यानी अव्ययभाव भाव करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार हैं, तो अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर, यानी 3 प्रकार हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे की ओर देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कि हेनरी लोपेज का जन्म किस यानी देश में हुआ था, तो हेनरी लोपेज का जन्म होता किस देश में होता। तो 7 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर, यानी क्या होगा, कांगो में हुआ था, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है, रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, पूरी तरीके से आप लोगों को देख लेना है। तो 8 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर, यानी 2 प्रकार की होती है, ठीक है। चलिए 1 फरवरी में यही सारे प्रश्न जो आपके यानी रिपीट होगा, पूरी तरीके से पढ़ लीजिए सारे प्रश्न, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, कि चैत शब्द है, तो चैत शब्द क्या है, तो 9 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर, यानी क्या होगा, तद्भव है, चैत क्या है, तद्भव हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कि कलर्क की मौत के रचनाकार है, तो कलर्क की मौत के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर 10 नंबर का राइट आंसर बी नंबर, यानी अंतोन चेखव करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, धर्म शब्द है, तो धर्म शब्द क्या है, तो 11 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर, यानी पुल्लिंग हो जाता है, ठीक है। 11 का क्या होगा, तो बी नंबर धर्म क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। यहां पर आप लोग देख लीजिए धर्म क्या होगा, फटाफट से, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, यानी राइट आंसर बी नंबर धर्म हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं अगला प्रश्न क्या होगा, विवाह शब्द है, तो विवाह भी क्या होता है, पुल्लिंग होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे प्रश्न। अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जाएगा, कि गोदर व्हील के चौराहे पर किनकी भीड़ लगी थी, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, लोगों की भीड़ लगी थी, करेक्ट आंसर यहां पर 13 नंबर का क्या होगा, तो सी नंबर, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा, रक्षाबंधन कौन संज्ञा है, तो रक्षाबंधन जो कौन संज्ञा, तो यहां पर ए नंबर का व्यक्तिवाचक संज्ञा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 15 नंबर का यहां पर राइट आंसर सी नंबर, यानी क्या होगा, 3 प्रकार के 3 भेद होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, कि नामोर सिंह का जन्म कहां हुआ था, तो नामोर सिंह का जन्म कहां हुआ था, तो यहां पर राइट आंसर ए नंबर, जीवनपुर करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा, कि आस्तीन का साफ होना मुहावरे का अर्थ है, तो यहाँ पर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर, यानी क्या होगा, घर में छिपा शत्रु करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा, कि उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ है, तो उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी क्या होगा, परंपराओं के विपरीत कार्य करना, ठीक है, राइट आंसर ए नंबर होगा। अब देखेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन क्या बोला, 19 नंबर कह रहे, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पाठ की जो पठित उक्ति है, फटाफट से बोलना आप लोगों को। तो यहाँ पर राइट आंसर फटाफट से बोलेगा, 19 नंबर का डी नंबर, शिक्षा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, कि किसकी विजय हुई, सेना की नागरिकों की पंक्ति किस पाठ से ली गई है, तो यहाँ पर फटाफट से 20 नंबर का जवाब देना है, तो 20 नंबर का आंसर ए नंबर, हार जीत करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोलेगा, कि चक्रवात शब्द है, तो चक्रवात जो शब्द है कौन सा होगा, तो यहाँ पर 20 नंबर का आंसर सी नंबर, तत्सम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा, कि अंगूठा चुमना मुहावरे का अर्थ है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 22 नंबर का डी नंबर, यानी खुशामद करना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या होगा, साकार का विलोम होता है, तो साकार का विलोम क्या होता है, निराकार, करेक्ट आंसर क्या, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है जी। चलिए 1 फरवरी को पूरी तरीके से आप लोगों को देख लेना ये सारे प्रश्न। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, निश्चय का संधि विच्छेद है, तो निश्चय का संधि विच्छेद क्या, तो 24 नंबर का आंसर ए नंबर का निजोर चाहे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं, तो भूषण जो किस काल के कवि माने जाते हैं, तो 25 नंबर का आंसर ए नंबर का रीति काल के। ठीक है जी, चलिए आप यहाँ से बढ़िए क्या बोला जा रहा है, करके देवता का पर्यायवाची है, तो देवता का पर्यायवाची क्या होगा फटाफट से बोलेगा, तो यहाँ पर जो हमारा 26 का करेक्ट आंसर ए नंबर दियो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले अब देखिए अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है, तो रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो श्रीनगर क्या है, यानी लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मलयज की रचना नहीं है, तो यहाँ पर देखिए मलयज की कौन सी रचना नहीं है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो 28 नंबर का ए नंबर यानी न आने वाला कल। ठीक है जी, चलिए अब देखेंगे अगला, सॉरी मलयज की कौन नहीं रचना है यहाँ पर, तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो मलयज जूठन जो है मलयज नहीं लिखा है। ठीक है जी, चलिए अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी इनमें से तीनों जो है नहीं होगा। ठीक है, यानी इनमें से तीनों जो है मलयज की नहीं है। ओके, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, डी नंबर होगा। अब यहाँ देखिए क्या बोला, ज्ञात का विलोम होगा, तो ज्ञात का विलोम क्या होगा फटाफट से आप लोगों को बताने, तो इसका राइट आंसर बी नंबर अज्ञात करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, भारत का विशेषण, भारत का विशेषण भारतीय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे आगे क्वेश्चन क्या बोला, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, संपूर्ण क्रांति के यानी रचनाकार जयप्रकाश नारायण। ठीक है, 1 फरवरी के लिए पूरी तरीके से आप लोग को बने रहना है। अब यहाँ देखिए चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था, तो कहां पर हुआ था, 32 का करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा, तो डी नंबर 1883 में हुआ था। ठीक है जी, चलिए अब देखेंगे आगे आगे क्वेश्चन क्या बोला, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहां पर हुआ था, तो 33 का करेक्ट आंसर बी नंबर का 23 जून 1844 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न क्या बोले, पलटन का विदूषक कौन था, तो पलटन का विदूषक कौन था, तो यहाँ पर राइट आंसर श्रीनगर का वजीरा सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जाएगा कि माटी की मूर्त है क्या है, फटाफट से देखिएगा माटी की मूर्त किनकी रचना है, तो यहाँ पर 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर यानी राम वृक्ष बैनीपुरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे देखते आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोगों को देखना है और जवाब भी दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या बोला जाएगा कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा से बोलेगा, तो 36 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर नहीं क्या होगा, शुद्ध कविता की खोज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, अब यहां पर देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि अज्ञेय के पिता का नाम था, तो क्या नाम था, फटाफट से बोलेगा 37 नंबर का करेक्ट आंसर बी नंबर का यानी डॉक्टर हीरानंद शास्त्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके द्वारा यानी विरुद्ध लड़ा था, तो 38 का यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर क्या जर्मनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि चंपारण में धागर कहां से आए थे, तो कहां से आए थे, राइट आंसर यहां छोटा नागपुर से आए थे, यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, श्री नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोले, फटाफट से आप लोगों को जवाब देना है, कह रहा है कि सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया है, तो यहां पर 40 का करेक्ट आंसर डी नंबर यानी अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, करेगी निम्नलिखित में कौन पहले की छाया के कवि हैं, तो यहाँ पर एक कलश का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोले श्री नंबर का जयशंकर प्रसाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, करेगी सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार हैं, तो 42 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर क्या होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला, दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो राइट आंसर ओम प्रकाश वाल्मीकि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं बोला जाएगा कौन सी रचना मलयज की है, तो यहां पर देखिए कौन सी रचना मलयज की है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर 44 का सी नंबर यानी क्या होगा, कविता के साक्षात्कार करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कहानीकार त्रिच की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ यानी गया था, तो यहां पर राइट आंसर थानु, कौन गया था जी, 35 का करेक्ट आंसर सी नंबर थानु करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम था, तो जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या था, फटाफट से बोलेगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 46 का राइट आंसर बी नंबर का जीहू कृष्ण मूर्ति करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे की ओर, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं, तो यहां पर 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बता रहे, तो इसका राइट आंसर सी नंबर नहीं प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा के। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए, तो 48 का यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, श्री नंबर का पुष्टि मार्ग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, श्री नंबर का यानी ए नंबर नर हरिदास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, सबके हित का वचन कौन कहता है पाठ के अनुसार। तो यहाँ पर राइट आंसर का फटाफट से बोलेगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 50 नंबर का, तो 50 करेक्ट आंसर बी नंबर क्या होगा, कबीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, छत्रसाल दशक में छंद है तो कितने छंद है, तो यहाँ पर राइट आंसर 10 छंद है, तो करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला करेगी, इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 52 नंबर का, तो डी नंबर क्या होगा, शिवाजी का महत्व करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था, तो 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर क्या है, ठाकुर रामनाथ सिंह। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है, तो यहाँ पर फटाफट से क्या होगा, जल्दी से बोलना है आप लोग को, तेजी से बोलेगा, तो 54 का राइट आंसर क्या होगा, श्रीमान क्या होगा, काल तुझसे होर में मेरी। ठीक है, होर है मेरी। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था, तो यहाँ पर 55 का राइट आंसर क्या होगा, एलमन क्या होगा, 13 नवंबर 1917 ईस्वी को। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि गणेश किस यानी संधि का उदाहरण है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 56 नंबर का, बी नंबर का, बी नंबर क्या होगा, गुण संधि का। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि इत्यादि का संधि विच्छेद करें, तो इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर इति जो आदि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पर्यावरण किस संधि का उदाहरण है, तो 48 का करेक्ट आंसर, 58 का करेक्ट आंसर बी नंबर का, यानी यन संधि का। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मनोरंजन किस संधि का उदाहरण है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर डी नंबर यानी विसर्ग संधि का। ठीक है जी, चलिए अब देखते हैं आगे की, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि चौराहा में समास है, तो चौराहा में कौन सा समास है, राइट आंसर डी नंबर द्विगु समास है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला, फटाफट से आप लोग जवाब दे रहे, कह रहा है कि रात दीर शब्द किस समास का उदाहरण है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, द्विंदु समास का। ठीक है, राइट आंसर बी नंबर का। ओके, अब देखेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन क्या बोला, रसगुल्ला में कौन सा समास है, तो रसगुल्ला में कौन सा समास होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो बी नंबर बहुबीरी समास है। ठीक है, चलिए सॉरी यहां पर राइट आंसर क्या होगा, यानी 62 का राइट आंसर ए नंबर तत्पुरुष समास है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, निम्नलिखित में से किस शब्द में समास और संधि होता है, फटाफट से बोलेगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, 63 का शी नंबर यानी क्या होगा, जलोष्मा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, बी नंबर यानी मूर्ख होना। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर 65 नंबर का, डी नंबर का, परीक्षा गुरु करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो यहाँ पर 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर यानी क्या होगा, जर्मनियों के साथ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, करेंगे किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था, तो फटाफट से बोलना है, राइट आंसर का डी नंबर ही विलिंगटन नर्सिंग होम में। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जाए, करेंगे दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या, जल्दी से बोलेगा, बी नंबर में क्या होगा, उर्वशी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले अब यहाँ पर देखिए 69 नंबर क्वेश्चन क्या बोलेगा कि कौन सी रचना आगे की नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, 69 का जल्दी से बोलेगा, तो 69 का आंसर डी नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर 70 का आंसर डी नंबर क्या होगा, नवरात्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोलेगा कि तीन कठिया प्रथा संबंध है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 71 का राइट आंसर डी नंबर नील से। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन थी, तो 72 नंबर का राइट आंसर क्या श्रीमणी कुंती करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है, तो यहाँ पर 73 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर क्या हो जाएगा, यानी पृथ्वीराज रासो की भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, जूठन क्या है, तो जूठन क्या है, फटाफट से बोलेगा, राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर यानी आत्मकथा है। ठीक है, अब देखेंगे आगे की, आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि मलयज का मूल नाम क्या है, क्या था, तो यहाँ पर 75 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर क्या होगा, यानी भरत जी श्रीवास्तव करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि त्रिज पाठ में पिताजी की मृत्यु कैसे होती है, तो 76 का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर क्या होगा, यानी मानसिक सदमे के अधिक रक्तस्राव से। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है, तो 77 का करेक्ट आंसर श्रीनगर का जयकृष्ण मूर्ति की है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है, तो फटाफट से बोलेगा, तो यहाँ पर 78 का राइट आंसर अवधी भाषा है। ठीक है जी, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिएगा, कह रहा है कि बल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व
सर किस भाव का पद गाते थे, यानी क्या सुर सुर होगा, यानी सुर जो है यानी क्या होगा, बल्लभ आचार्य से मिलने से सूरदास होगा, ठीक है। तो फिर 79 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर यानी दैन्य, दैन्य भाषा गाते थे, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है, तो इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है, तो फटाफट से आप लोग बताने हैं। तो यहाँ पर आंसर डी नंबर होगा, विनय पत्रिका, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, कहानी का अर्थ होता है, तो कहानी का अर्थ क्या होता है, यानी डी नंबर क्या होगा, विश्वास यानी प्रतीति, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाए, शिवाजी के पुत्र का नाम था, तो शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था, तो यहाँ पर राइट आंसर का बी नंबर ही क्या होगा, साहू जी नाम था, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, कि प्रसाद जी के पिता का नाम था, तो क्या नाम था, तो राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर ही देवी प्रसाद साहू करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, तो यहाँ पर राइट आंसर 54 नंबर का क्या होगा, ए नंबर ही क्या होगा, 16 अगस्त 1904 ईस्वी को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि त्रिज है, तो त्रिज क्या है, फटाफट से बोलेगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर यानी क्या होगा, यानी एक विषैला और भयानक जंतु, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि तुलसीदास कैसे कवि थे, तो तुलसीदास कैसे कवि थे, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी क्या, सामान्य सामान्यवादी, करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, कह रहा है कि कब हुक अंब अवसर पाई यहाँ अब संबोधन यानी किसके लिए, यहाँ जो संबोधन किसके लिए, तो फटाफट से यहाँ पर बोलना है, तो अब राइट आंसर 37 का सीता के लिए, ठीक है जी। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, भक्तमाल किसकी रचना है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 88 नंबर का आंसर ए नंबर नाभादास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, कि भूषण किस काल के कवि है, तो भूषण जो किस काल के कवि है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिए, यहाँ पर राइट आंसर रीति काल के, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा, कि सुंगनी साहू परिवार किनके संबंध था, किन से संबंध था, तो यहाँ पर 90 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर यानी क्या होगा, जयशंकर प्रसाद से, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा, कि यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, ये किसने कहा था, तो 91 का करेक्ट आंसर डी नंबर का क्या होगा, बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा, कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उनका गुण दोष प्रकट नहीं होता, ये किसने लिखा था, तो 92 का करेक्ट आंसर क्या होगा, श्रीमणि क्या होगा, बालकृष्ण भट्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी नहीं है, तो 93 करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर क्या होगा, त्रिज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, कि कौन से रचना बिहार से संबंधित नहीं है, तो कौन से रचना बिहार से संबंधित नहीं है, तो 94 करेक्ट आंसर क्या, डी नंबर क्या होगा, यानी शमशेर बहादुर सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, कि करबक में कौन सी बात पाई जाती है, तो यहाँ पर 95 करेक्ट आंसर क्या, ए नंबर ही प्रेम की महिमा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ है, तो 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर 96 क्या होगा, ए नंबर यानी भाग जाना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, क्या बोला जाएगा, कि नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है, तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, यानी प्रिय होना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा, कि जगदीश का संधि क्या होगा, फटाफट से बोलेगा, जगत जोर इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा, कि रात का विलोम का, तो रात का अटेंड क्या होगा, दिन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए लौक का विषय क्या, लौक का लौकिक करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर। चलिए अब मैं आप लोग के लिए 1000 जो प्रश्न जो मैं लेकर आया हूँ, तो कैसे आप लोग को लेना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं गूगल में, तो गूगल में आने के बाद आप लोगों को टाइप करना है bbphelp.com, ठीक है, bbphelp.com टाइप करेंगे और आप लोगों को सर्च कर देना, ठीक है। जब आप सर्च कर देंगे तो देखिए यहाँ पर मैं अभी जो है यानी कुछ टाइम पहले यानी मैं जस्ट अभी कुछ देर पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को 1000 प्रश्न का जो यहाँ पर मॉडल पेपर सारा जो है दे दूंगा, यहाँ पर क्लिक करने के लिए दे दूंगा, ठीक है। बट अभी तो नहीं है, देखिए आप लोग क्या करना है, नीचे आते जाना है। देखिए यहाँ पर नीचे जब आएंगे तो रिसेंट पोस्ट में ये सारा देखिए लाइनिंग करके दिया हुआ है 1000 प्रश्न का, ठीक है। तो 1000 प्रश्न है जितने भी है सारा यानी कैटेगरी में, अब यहाँ पर देखिए ये सारा जो यहाँ पर आप लोग को मिल जाता है, इंग्लिश का मिल जाता है, यानी हिस्ट्री का मिल जाता है, पोलिटिकल साइंस का मिल जाता है, ज्योग्राफी का मिल जाता है। यहाँ से आप लोग जैसे मान लेकर यानी आप लोग को हिंदी पढ़ना है तो हिंदी में आप लोग क्या करेंगे, सामने में यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक करना है, क्लिक करके ओपन करना है। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर आप लोगों को सारा यानी मॉडल पेपर आ जाता है, ठीक है, 10 मॉडल पेपर यानी 1000 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप मान ले एक मॉडल पेपर को पढ़ना, तो क्लिक करेंगे डाउनलोड में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इस तरह का नीचे आएंगे, यहाँ पर से आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लेना है, ठीक है। जब आप दूसरा क्वेश्चन अब मान ले दूसरा मॉडल पेपर पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है, तो दूसरा मॉडल पेपर के लिए क्या करेंगे आप लोग, देखिए तो यहाँ पर आएंगे दूसरा मॉडल पेपर के लिए क्लिक करें यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर आप लोग क्लिक कर देना है। जब दूसरा मॉडल पेपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को फिर से दूसरा मॉडल पेपर के लेकर आ जाएगा यहाँ पर,
अब दूसरा पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। और देखिए बिल्कुल न्यू पैटर्न पर न्यू मॉडल पेपर आप लोग डाउनलोड कैसे करेंगे, एक बार बाहर जाना आप लोग को, ठीक है। जब बाहर जाएंगे तो नीचे आते जाना आप लोग को, ठीक है। जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग के लिए लिखा हुआ ऑल सब्जेक्ट जो है न्यू मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो यहाँ पर अगर आप लोग क्लिक हेयर में क्लिक करेंगे तो पूरी तरीके से आप लोग को यानी सारा प्रश्न जो मिल जाएगा, यानी बिल्कुल न्यू पैटर्न पर जो 1 फरवरी में आप लोग को मिलने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो इतना, तब तक ले जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।